जनेश्वर मिश्र के जन्मोत्सव पर आज समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकालकर उत्तर प्रदेश की सरकार को जगाने का किया काम। योगी सरकार की हठ धर्मता और तानाशाही के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त साइकिल रैली कर सरकार को सीधे तौर पर अपने मजबूत विपक्ष होने का एहसास करा दिया। बांदा में भी पुलिस की तमाम बंदिशों और दबाव के बावजूद बांदा समाजवादी पार्टी ने शहर में भारी भरकम साइकिल रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साइकिल यात्रा में सपा सरकार के पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे प्रदेश में जनपद और तहसील स्तर पर साइकिल रैली निकालने की घोषणा की थी। इसी के तहत आज बांदा में भी समाजवादी कार्यालय में हजारों सपाइयों का हुजूम साइकिल लेकर उमड़ पड़ा और समाजवादी पार्टी कार्यालय शहर में साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की अगुवाई पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति और जिला अध्यक्ष विजय करण यादव ने की। हालांकि पूरे शहर में पुलिस को पूरी तरह से चाक चौबंद किया गया, लेकिन सपाइयों के हौसले और जुनून के आगे पुलिस प्रशासन भी मुख दर्शक बनकर रह गई। योगी सरकार की तमाम धमकियों के बावजूद सपा की आज की रैली ने सपा के मजबूत विपक्ष होने का एहसास करा दिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री शिवचरण प्रजापति ने योगी सरकार की तमाम खामियां और तानाशाही गिनाते हुए सरकार को पूरी तरह से निरंकुश और जन विरोधी करार दिया। साथ ही साथ सपा नेता ने भी यह साफ कर दिया कि अब समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक अभियान चलाकर सरकार को बेनकाब करेगी। गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। बांदा यात्रा निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य साइकिल यात्रा का? साइकिल यात्रा का उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, 2022 का चुनाव आने वाला है। समाजवादी पार्टी सदैव जो है जमीन पे काम करती दिखाई दे रही है, संघर्ष करती दिखाई देती रही है। आज भी उसी माननीय जनेश्वर मिश्र जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने आह्वान किया है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार जो वादा करके आई थी, आज से ले लीजिए या 14 से ले लीजिए, जितने भी वादे किए थे सारे वादे इनके बेकार रहे हैं, सब केवल झूठ के अलावा इनके पास कोई काम नहीं। तो इनकी जो नाकामी है उसको जन जन तक पहुंचाना है। तो आज साइकिल यात्रा जो है हर तहसील स्तर पर पूरे प्रदेश में घूमेगी और इसके बाद अगले कार्यक्रम में ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, उसके हिसाब से भाई हमारी सरकार रही है, लोग बड़े खुशी रहे हैं। लेकिन आज चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पर चर्चा नहीं हो रही। सरकार जो असली मुद्दे हैं उनसे घुमा फिरा के जो है कहीं राम मंदिर के मुद्दा ले आएगी, कहीं जो है बाबरी मस्जिद का मुद्दा, मुसलमान हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसे तमाम मुद्दे हैं, शमशान कब्रिस्तान, ये इनमें उलझाए रखना चाहती है और कुछ नहीं करना चाहती। केवल बातों के अलावा कोई काम नहीं, इन्होंने जनहित में कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो लोगों को समझ में आ जाए। अब हाँ बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार आज अन्न महोत्सव मना रही है जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो ये है कि भाई जब आदमी अंतिम समय में होता है तो अंतिम समय में जो है दो पूजा जाता है, क्या किया जाता है? अन्नदान किया जाता नहीं, उसके साथ साथ गौ पूजन। जब अंतिम सांसें ले रहा होता है तो ये सरकार अंतिम सांसें ले रही है, इस वजह से सारे ग्राम में कर रही है और कुछ नहीं। इसके अलावा जो मेरी समझ में है अच्छा प्रश्न।